हे गाइस, मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे काफ़ी और इन्जॉय कर रहे होंगे। और काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं डाला, तो मैं ब्लॉग ऐड कर रहा हूँ। आज एक असाइनमेंट मिला है हमारे को गोवा का, तो उसमें हम जा रहे हैं। देखते हैं कितने दिनों के लिए क्लाइंट बताएगा, और वहाँ पर जाकर देखते हैं। कुछ टाइम मिलेगा तो आपको शेयर करेंगे गोवा की कुछ बीचेस और कुछ और प्लेसेस। पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अगर आप देख सकते हैं सारी की सारी पैकिंग रेडी है। और अब इसको फटाफट रैप अप करके और निकलते हैं। नाउ फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और अब हम डिपार्चर के लिए निकल गए। एयरपोर्ट के अंदर हम इंटर तो कर गए, पर अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है क्योंकि हमारी फ़्लाइट 6:30 की है और अभी सिर्फ बजे हैं 4, तो हम बैठ कर वेट कर रहे हैं गाइस। सो गाइस, ये दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T3 पे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा बताते हुए सूर्य नमस्कार की पूरी 6 पोजीशंस यहाँ पे दिखाई गई हैं। अगर आप कोई भी योगासन या कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप सूर्य नमस्कार कीजिए एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई फ्लाइट में हम जाने के लिए, और अब फ्लाइट में जा रहे हैं। सो फाइनली हम लोग गोवा पहुंच गए और अब टैक्सी बुक करते हैं और अपने होटल में जाते हैं। प्रीपेड टैक्सी, गवर्नमेंट की प्रीपेड टैक्सी आप यहां से बुक कर सकते हैं। ये है गोवा का एयरपोर्ट और काफ़ी लाइटिंग वगैरह है और काफ़ी दिखने में सुंदर भी है और छोटा भी है। और यहां से आप सारी की सारी पार्किंग, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट अप्रूव्ड पार्किंग है, वो यहीं से मिलती है आपको सारी की सारी कार्स। इस होटल में स्टे किया है लो बजट, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लो बजट होटल पर यूज़ करना है तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है और ये मेरा शायद गोवा का फर्स्ट ब्लॉग है। और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, पर फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर नहीं हूँ, बट हाँ ट्रैवल काफ़ी करता हूँ। तो आज मैं आया हूँ कोलवा बीच। कोलवा बीच में, कोलवा बीच जाना जाता है वाइट सैंड के लिए और काफ़ी शांत बीच है। और इसका अगर पानी आप देखेंगे क्रिस्टल क्लियर पानी है। और ये साउथ गोवा में पड़ता है कोलवा बीच। जो जानते हैं गोवा के बारे में उन्हें पता है कि साउथ गोवा में जितने भी बीचेस हैं काफ़ी शांत है और काफ़ी लेस क्राउडेड है। अगर कभी आप प्लान बनाते हैं तो कोलवा बीच का प्लान बनाइए और ये आपको काफ़ी पसंद आएगा, फैमिली के वाइज भी और अगर आप किसी ग्रुप के साथ आते हैं तब भी। और इस मैं आशा करता हूँ इस ब्लॉग में आपको काफ़ी चीज़ें पसंद आएगी और आप शेयर करेंगे इस ब्लॉग को और लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और मुझे मोटिवेट कर सकें ट्रैवल के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ कोलवा बीच में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और कैसे कैसे आप कोलवा बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। ये कोलवा बीच का मेन एंट्रेंस है सर्कल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कार पार्किंग, बाइक्स, यहाँ तक कि बसेस भी आपको मिल जाएगी और एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पे राइट। और ये है पुल जहाँ से आप क्रॉस करके कोलवा बीच के लिए जा सकते हैं। ये कोलवा की स्टार्टिंग है यहाँ से और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक पैरा ग्लाइडिंग है आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जेट स्की भी मिलेगा और बनाना राइड भी मिलेगा। अगर दिखा सकता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, ये देखिए इसे कहते हैं बनाना राइड। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस। पैराग्लाइड का एक्सपीरियंस तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
कोलवा बीच में ऑलमोस्ट 10% ही टूरिस्ट आया हुआ है, और 10% में से भी शायद 0.1% फॉरनर आया हुआ है, अदरवाइज सारा का सारा खाली पड़ा है। आप देख सकते हैं किसी टाइम पे ये कोलवा बीच फुल होता था, आज की डेट में ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जहाँ तक भी देखेंगे दूर तक देखेंगे आप, खाली पड़ा हुआ है ये कोलवा बीच। ये एक काफ़ी अच्छा बीच है, वाइट सैंड बीच है, पर लेकिन कोविड के बाद यहाँ पर बिल्कुल ही डाउन आ गया, और यहाँ पर फॉरनर्स तो 0.1% है आज की डेट में। ये बात कर रहा हूँ मैं 2022 की, और ये है नवंबर का एंड ऑफ वीक। आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। ये देखिए काफ़ी शांत बीच है, और दूर दूर तक आपको ऐसे ही बीच मिलेगा, बहुत ही क्लियर बीच है और बहुत ही साफ बीच है। और ऐसा नहीं कि इस बीच पे कहीं गड्ढे हैं, कहीं अप एंड डाउन है, स्मूथ बीच है। आप कहीं भी चले जाइए और बहुत ही सेफ बीच है स्विमिंग के लिए। पानी है यहाँ का, और इस बीच की खासियत यह है कि ये वाइट सैंड बीच है। जो वाइट सैंड बीच के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बीच स्वर्ग से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट पानी है, आप देखिए दूर दूर तक एकदम भाई एकदम ट्रांसपेरेंट पानी है आपका। ये गवर्नमेंट ऑन टैक्सी पॉइंट है, जहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं गवर्नमेंट रेट पे। और हमने अभी शाम के लिए टैक्सी बुक की है, और अब पणजी आज जाएंगे और वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कि पणजी में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। मैं रेडी हो गया हूँ, और अब हम जा रहे हैं पणजी। हमारा टैक्सी ड्राइवर भी आ गया बाहर, और चलते हैं पणजी और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें।